हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लॉकडाउन में छूट मिलने से रामपुर क्षेत्र के प्लम उत्पादकों को लाभ मिल रहा है, जबकि लॉकडाउन के दौरान सभी को अपनी फसल की चिंता सता रही थी कि इस वर्ष प्लम की फसल को मंडियों तक कैसे पहुंचाएंगे। रामपुर और आसपास के क्षेत्र में प्लम का सीजन जोरों पर है और बागवानों को उनकी आशा के विपरीत बहुत अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। नारकंडा मंडी में प्लम 700 से 800 रुपए प्रति 5 किलो का बॉक्स बिक रहा है, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत इससे भी ज्यादा मिल रही है। इतना ही नहीं, बागवानों को बगीचों में ही प्रति गढ़ प्लम के 400 से 500 रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन बागवानों को उनकी जरूरत के हिसाब से मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सभी ने एकजुटता दिखाते हुए एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया और अधिकतर बागवान एक दूसरे की फसल को तोड़ने में और एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। मैं बागवान भी हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बागवान और क्या कहते हैं, ये बार हमारी शोक से आई है। पहले बहुत लॉकडाउन में बहुत दिक्कत आ रही थी हमारे लेबर लाने की, और एसडीएम प्रशासन की सहायता से हम सहयोग से हमने लेबर लाई, और पहले हमारा रेट जो प्लम का था 80 से 150 ठेकेदार लेता था जो भी आता था। अब इस बार मंडी बहुत अच्छी है दिल्ली में भी और शिमला में भी, और बिग बास्केट कंपनी होगी और चाहे दूसरी ऑल फ्रेश कंपनी होगी वो यहीं पे 50 रुपये किलो के हिसाब से ले रही है। इस बार बागवानों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है कि रेट बहुत अच्छे जा रहे हैं, यहीं पर ठेकेदार और क्या कहते हैं बड़े बड़े आदमी यहीं पर आ रहे हैं, 500 से 600 रुपये कट ले रहे हैं, और दिल्ली में 700 से 1000 तक की मंडी है। तो बागवानों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं, और निशु में और आपकी लगते सारी बेल्ट में लोग बेल्ट में प्लम बहुत अच्छा बिक रहा है और सारे बागवान खुश हैं, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, हम इस बार एक अच्छी मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे शिमला के साथ रखता नारकंडा में वहाँ पे आरती बैठे हुए हैं, अब सीधा बागवान यहाँ से अपनी गाड़ी में लेके सीधे नारकंडा बेचता है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा मार्केट रेट चल रहा है, 600 से 700 बिक रहा है, 500 बिक रहा है जैसे माल देख के, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें बिचौलियों भी हट गया, सारे बागवान सारा सजग हो गया है,